देश का कानून सर्वोपरि है या ट्विटर की दलीलें, ये बहस पिछले कई दिनों से चल रही है और गुरुवार को एक नए मुकाम तक पहुंच गई जब सोशल मीडिया को लेकर भारत सरकार ने और सख्त रुख अख्तियार कर लिया। 24 मई को लाडोसराय में मौजूद ट्विटर के दफ्तर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम की कार्रवाई का हवाला देते हुए ट्विटर ने कहा था कि उसे भारत में डर लग रहा है। ट्विटर का कहना है, अभी हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के बाद हम भारत में अपने कर्मचारियों और जिन लोगों की हम सेवा करते हैं उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए चिंतित हैं। भारत और दुनिया में मौजूद सिविल सोसाइटी के साथ हमारी भी चिंता यही है कि वैश्विक सेवा नियमों के क्रियान्वयन के जवाब में पुलिस डराने वाले हथकंडे अपना रही है। ट्विटर के इस बयान पर दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि कार्रवाई का मकसद डराना नहीं बल्कि जाँच करना था और ट्विटर सहयोग की जगह सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए बयानबाजी का पैंतरा अख्तियार कर रही है। इधर सरकार ने भी नई गाइडलाइन के पालन में आनाकानी कर रही ट्विटर के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। गुरुवार को आईटी मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर कहा गया, ट्विटर के बयान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश है। ट्विटर उन नियमों का पालन करने से इनकार करता है जिनके आधार पर वो भारत में किसी भी आपराधिक दायित्व से खुद को सुरक्षित और संरक्षित होने का दावा कर रहा है। भारत में बोलने की आज़ादी और लोकतांत्रिक प्रथाओं की सदियों पुरानी एक गौरवशाली परंपरा रही है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना केवल ट्विटर जैसी निजी, लाभकारी और विदेशी संस्था का विशेषाधिकार नहीं है। ट्विटर के खिलाफ फ्री स्पीच का उदाहरण ट्विटर और उसकी अपारदर्शी नीतियां हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के अकाउंट्स कभी भी निलंबित कर दिए जाते हैं और बिना किसी वजह के मनमाने ढंग से ट्वीट हटा दिए जाते हैं। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि कानून और नीति बनाना संप्रभु राष्ट्र का विशेषाधिकार है और ट्विटर ये तय नहीं करेगा कि कानून की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। मतलब ये कि आने वाले दिनों में ट्विटर और सरकार के बीच तल्खी और बढ़ेगी।